R1 कंपनी का ये M2 मॉडल RO है, इसको हम मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। ये देखिए इसमें लाइट ब्लिंक हो रहा है स्पीड में। इस बटन को 5 सेकंड तक प्रेस करना होता है, नीचे वाले बटन को। इस पर उंगली है, उसके बाद फिर इसको पेयरिंग मोड में डाल के और मोबाइल से पेयरिंग कनेक्ट करेंगे। और ये देखिए आगे हम बढ़ें, प्रोसीड किए और इसको रीड करने के बाद फिर इसको कनेक्ट करेंगे। और जो जो स्टेप आता रहेगा उसको हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये वाईफाई का पासवर्ड मांग रहा है, जो हमारे पास वाईफाई है उसका पासवर्ड जो है हम डाल दिए हैं। और ये फिर कनेक्ट हो जाएगा आपस में, पेडिंग मोड में जा रहा है। और आप याद रखें कि आपके पास 4G डाटा वाउचर ही सही कनेक्ट होगा और 2.4 GHz पे ही कनेक्ट होगा। तो ये आपके पास होगा तभी कनेक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये देखिए अब इसको जो है वाईफाई का पासवर्ड अभी फेल हो गया था, फिर दोबारा हमने कनेक्ट किया है। और कुछ सेकंड लेता है, कुछ टाइम लेता है। अगर नेट अगर फास्ट रहेगा, स्पीड रहेगा तो जल्दी ले लेगा। अगर नेट अगर नेटवर्क आपका स्लो रहेगा डाटा का, तो कभी कभी थोड़ा टाइम ले लेता है। बाकी प्रोसेस यही है जिस प्रोसेस से हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए पेयर्ड कनेक्ट हो चुका है और ये हमारा इसमें डाटा सारा शो कर रहा है। ये देखिए सेडिमेंट, कार्बन, मेम्ब्रेन, जितने भी फिल्टर है इसके अंदर, UF, UV, वो सारे इंडिकेट कर रहे हैं और सबका लाइफ 100% दिखा रहा है।